हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज हम मेमोग्राफी प्रोसीजर या मेमोग्राफी टेस्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में मेमोग्राफी के इंडिकेशन इंडिकेशन पेशेंट प्रिपरेशन और मेमोग्राफी प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स इस वीडियो से पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वाले वीडियो में मेमोग्राफी के कंपोनेंट्स की बात की थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं तो आइए जानते हैं मेमोग्राफी टेस्ट या मेमोग्राफी प्रोसीजर के बारे में मेमोग्राफी आर एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू मतलब मेमोग्राफी में ब्रेस्ट टिश्यू का एक्सरे किया जाता है फ्रेंड्स मेमोग्राफी को ब्रेस्ट कैंसर को देखने के लिए किया जाता है मेमोग्राफी एग्जाम इज़ यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट डिजीज इन पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर इन वूमेन मतलब मेमोग्राफी एग्जामिनेशन का यूज ब्रेस्ट डिजीज में किया जाता है यह पर्टिकुलर वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए और ब्रेस्ट को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह डिजिटल मेमोग्राफी मशीन होती है अब टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी एग्जामिनेशन की बात करते हैं यह है टू टाइप का एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी परफॉर्मेंड इन नो सिम्टम्स मोमेंट इन ऑर्डर टू पिक अप अर्ली एंड पोटेंशियली क्यूरेबल कैंसर्स मतलब स्क्रीनिंग मेमोग्राफी बिना किसी सिम्टम्स वाली मोमेंट्स में जल्दी और जिस पेशेंट में कैंसर की संभावना लग रही है उस पेशेंट के लिए स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की जाती है सेकेंड है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी परफॉर्मेड इन सिम्फोमेटिक वुमेन हु कंप्लेन ऑफ ए लंप निपल डिस्चार्ज स्किन चेंजेज इट इज सी इन डायग्नोस और रूल आउट एन अंडरलाइनिंग कैंसर यह मेमोग्राफी उन वुमेन्स में की जाती है जिनमें कैंसर के सिम्टम्स होते हैं और यह है अंडरलाइनिंग कैंसर के डायग्नोस और लम्फ निपल डिस्चार्ज और स्किन चेंजेस आदि की कंप्लेन होने पर यह मेमोग्राफी की जाती है अब ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं यह ब्रेस्ट का फ्रंट व्यू है और यह ब्रेस्ट का साइड व्यू होता है फीमेल्स के ब्रेस्ट का प्राइमरी फंक्शन ब्रेस्ट में मिल्क का उत्पादन करना और बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है जो ब्रेस्ट होता है वह फैटी टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है ब्रेस्ट के सेंटर में निपल होते हैं और निप्पल के चारों ओर डार्क कलर का एरियोला होता है ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं ब्रेस्ट में यह डक्ट्स होती है जो मिल्क को निपल तक पहुंचाने का काम करती है अब इंडिकेशन की बात करते हैं मतलब मेमोग्राफी को किस किस कंडीशन में करवाना चाहिए फर्स्ट है बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब ब्रेस्ट में बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर होने पर सेकंड है कैल्सिफिकेशन मतलब ब्रेस्ट टिश्यू में कैल्शियम साल्ट का जमा होने पर थर्ड है निपल डिस्चार्ज मतलब ब्रेस्ट के निपल से लिक्विड का बाहर निकलना यह लिक्विड दूध भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है फोर नंबर है ब्रेस्ट में पेन होने पर फाइव नंबर है लिम्फ नोड इनलार्जमेंट मतलब ब्रेस्ट के लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाने पर और लास्ट है स्वेलिंग मतलब ब्रेस्ट में सूजन होने पर यह सभी सिम्टम्स होने पर मेमोग्राफी करवाना चाहिए अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं मतलब मेमोग्राफी को किस किस कंडीशन में नहीं करवाना चाहिए फर्स्ट है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर सेकंड है ब्रेस्ट इम्प्लांट होने पर मतलब किसी पेशेंट को पहले से सर्जरी हुई है तो मेमोग्राफी नहीं करना चाहिए थर्ड नंबर है लार्ज पल्पाबल मास होने पर फोर्थ नंबर है सीवियर निपल डिस्चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा निपल डिस्चार्ज होने पर लास्ट है लैक्टेटिंग मतलब अगर कोई वुमेन स्तन पान रही है तो उस कंडीशन में भी मेमोग्राफी को नहीं करना चाहिए अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेसेंट मतलब पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में बता देना चाहिए पेशेंट शुड नाट वे डिओडोरेंट टेलकम पाउडर और लोशन अंडर हर आर्म्स और ऑन हर ब्रेस्ट अस दीज में अपीयर ऑन द मेमोग्राफी एंड इंटरफेयर विद करेक्ट डायग्नोसिस मतलब पेशेंट को अंडर आर्म मतलब बहों के नीचे या ब्रेस्ट पर डिओडोरेंट टेलकम्पाउडर और लोशन को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह मेमोग्राफी में दिखाई दे जाते हैं और करेक्ट डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आती है इसलिए पेशेंट को यह सभी लगाने से मना करना चाहिए सी विल प्रोवाइड यू विथ एन गाउन एंड आस्क यू टू टेक ऑफ योर टॉप क्लॉथ्स एंड ब्रा एंड टू वियर द गाउन इन ए चेंजिंग रूम मतलब टेक्नोलॉजिस्ट पेशेंट को एक गाउन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट अपने ऊपर के कपड़े और ब्रा को हटाकर चेंजिंग रूम में गाउन पहनने के लिए कहा जाता है सी इज आक्सड टू ब्रिंग अलोंग ऑल रिपोर्ट्स डन बिफोर मेमोग्राफी फॉर क्लिनिकल कोरिलेशन मतलब पेशेंट के क्लिनिकल कोरिलेशन के लिए मेमोग्राफी से पहले की गई सभी रिपोर्ट्स को साथ में लाने के लिए कहा जाता है अब एक्सपोजर फैक्टर्स की बात करते हैं मेमोग्राफी के लिए के वी पी ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव होना चाहिए ट्यूब करंट हंड्रेड एम ए होना चाहिए एक्सपोजर टाइम टू सेकेंड से कम होना चाहिए फोकल स्पॉट साइज़ जीरो पॉइंट थ्री एम एम होनी चाहिए मैग्नीफिकेशन फोकल स्पॉट साइज़ जीरो पॉइंट वन एम एम होनी चाहिए मेमोग्राफी करने के लिए यह सभी फैक्टर्स पहले से सेट कर लेने चाहिए अब मेमोग्राफी प्रोजेक्शन की बात करते हैं मेमोग्राफी में मोस्टली टू प्रोजेक्शन लिए जाते हैं फर्स्ट है सीसी, सीसी मतलब सी मतलब क्रेनियोकोडल व्यू सेकेंड है एम एलो एम मतलब मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह सी सी व्यू होता है और यह एम व्यू होता है तो आइए इनको एक के करके डिटेल में जानते हैं फर्स्ट है सी सी व्यू मतलब क्रेनियो कोडल व्यू द एक्सरे ट्यूब इज पोजिशनेड वर्टिकली टू ए ब्रेस्ट मतलब इस वीडियो में एक्सरे ट्यूब ब्रेस्ट के वर्टिकली मतलब लंबत पोजिशन पर होती है फिल्म ट्रे टू हाइट ऑफ इंफ्रामेमरी क्रीज मतलब फिल्म ट्रे की हाइट इंफ्रामेमरी क्रीज तक होती है निप्पल विल बी शो इन इमेज मतलब ब्रेस्ट निपल इमेज में शो करना चाहिए उसके लिए ब्रेस्ट की प्रॉपर पोजिशन लगाना चाहिए द ब्रेस्ट इज placed ऑन द टेबल फिर ब्रेस्ट को टेबल पर रखना चाहिए द कैसेट इज प्लेस्ट अंडर द ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ इंफ्रामेमरी फोल्ड फिर कैसेट को इंफ्रामेमरी फोल्ड के लेवल पर ब्रेस्ट के नीचे रखा जाता है द patient head इज टर्नेड अवे from द साइड अंडर एग्जामिनेशन फिर एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट के हेड को साइड में टर्न कर देना चाहिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह सी सी व्यू का प्रॉपर पोजिशन होता है और एग्जामिनेशन करते टाइम इस डायग्राम की तरह हेड को टर्न कर देना चाहिए द ब्रेस्ट इज पुल्ड टू स्ट्रेच द इंफ्रामेमरी फोल्ड फिर इंफ्रामेमरी फोल्ड को फैलने के लिए ब्रेस्ट को आगे की ओर खींचा जाता है रिंकल्स एंड फोल्ड स्मूथ आउट मतलब ब्रेस्ट को आगे की तरफ खींचने से जो ब्रेस्ट में जूरियाँ और सिलवटें होती है वह है सही हो जाती है एड इक्वेट कंप्रेशन इज अप्लाइड एंड एक्सरे बीम डायरेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम अबाउ फिर एडिक्वेट कंप्रेशन को अप्लाई किया जाता है और एक्सरे बीम को ऊपर से डायरेक्ट वर्टिकली दिया जाता है द सेंट्रल रे बीम इज सेंट्राइड वर्टिकली टूवर्ड्स द ब्रेस्ट फिर सेंट्रल एक्सरे बीम ब्रेस्ट की ओर वर्टिकली सेंटर होती है फिर एक्सपोज दिया जाता है और हमें इमेज प्राप्त होती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह राइट है ब्रेस्ट right का सी व्यू है और यह लेफ्ट ब्रेस्ट का सी व्यू है सेकेंड व्यू है एम व्यू मतलब मीडियोलेट्रल ऑब्लिक व्यू बेस्ट व्यू टू इमेज ऑल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड द पेक्टोरल मसल्स मतलब मीडियोलेटरल ऑब्लिक व्यू ब्रेस्ट के सभी टिश्यू और पेक्टोरल मसल्स की इमेज के लिए सबसे अच्छा व्यू होता है द मेमोग्राफी ट्यूब इज रोटेड टू फोर्टी फाइव डिग्री फ्रॉम एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल मतलब एमलो व्यू के लिए मेमोग्राफी ट्यूब को वर्टिकल से फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पर फोर्टी फाइव डिग्री तक रोटेड किया जाता है द ब्रेस्ट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल फिर ब्रेस्ट को मेमोग्राफी टेबल पर रखा जाता है द पेशेंट आर्म रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल फिर पेशेंट का आर्म टेबल के टॉप पर रेस्ट के लिए रखा जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह से हाथ को टेबल पर रखना होता है जिससे पेशेंट का आर्म दर्द नहीं हो और उसे रेस्ट मिल सके द पेशेंट आर्म इज अबडक्टेड एट द एल्बो बाई एटी डिग्री फिर पेशेंट के आर्म को एल्बो से 80 डिग्री तक ऊपर हटा लिया जाता है द कैसेट शुड बी पैरल टू द पेक्टोरल मसल मतलब जो कैसेट होती है वह पेक्टोरल मसल्स के पैरल मतलब समांतर होने चाहिए द ब्रेस्ट इज पुल्ड टू स्ट्रेच द इंफ्रामेमरी फोल्ड फिर इंफ्रामेमरी फोल्ड को फैलाने के लिए ब्रेस्ट को खींचा जाता है एड इक्वेट कंप्रेशन इज अप्लाइड मतलब फिर कंप्रेशन को अप्लाई किया जाता है द सेंट्रल एक्सरे बीम इज सेंट्रेड टूवर्ड्स द ब्रेस्ट एट द मीडियल साइड फिर सेंट्रल एक्सरे बीम मेडियल साइड से ब्रेस्ट की ओर सेंट्रेड की जाती है फिर एक्सपोज किया जाता है और हमें इमेज प्राप्त होती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है राइट ब्रेस्ट का मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू है और यह लेफ्ट ब्रेस्ट का मीडियोलेटर ओब्लिक व्यू है ब्रेस्ट के लिए कुछ एडिशनल व्यू भी लेते हैं जैसे ट्रू लेटरल व्यू मीडियल ऑब्लिक व्यू पेडल कंप्रेशन व्यू मैग्निफिकेशन व्यू और एक्जलरी व्यू सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा